विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। मी कधी अशी माझी मागणी केली नाही। मी फक्त जे काही महिलांच्या सुरक्षेसाठी जे काही योग्य रीतीने त्यांना मार्गदर्शन हवा आहे, त्याच्या मार्गदर्शक तत्व तिथे योग्य ठिकाणी लावावा असा मार्गदर्शन केला होता। मी कधी हा बांगड्यापर्यंत पडत नाही, पडणार पण नाही। पण हे अनधिकृत बांधकाम आणि हे खोटी वेबसाईट, हे बांगलादेशी रोहिंग्याने कोण ते मार्ग देत आहे, कोण याने प्रोटेक्शन करत आहे, हा सोचचा विषय। मला सर्व मुंबईकरांना रिक्वेस्ट आहे की आपली मुंबई वाचली पाहिजे, नाही तर आसामच्या मेघालय होईल। आता मुंबईमध्ये जे मोठा षडयंत्र चाललेलं आहे, त्या षडयंत्र रोखण्यासाठी मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र सरकारचे सर्वांनी सहयोग करावा। धन्यवाद। ठीक आहे, उसके बारे में आपको जानकारी, आप किसकी मदद करना चाहते मुझे पता नहीं, पर वो आज का विषय नहीं है और ना वो विषय सस्ता। सर एक विषय आना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर आए हैं पुलिस स्टेशन में, क्या ये मामला है, जो थोड़ा लीगल कंसेप्शन है, किस चीज का कंसेप्शन है, क्या आपका मामला चल रहा है? सामने है, आप सबको दिख रहा है, आप जाएंगे तो आपको सबको पता पड़ जाएगा वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन कपड़ा लगा के किया जा रहा है। यही नहीं, बाजू में भी किया जा रहा है। अभी ये कोई सरकार या पुलिस को या महानगर पालिका को कोई कमजोर दिखाना चाहता है तो वो गलत है। अल्टीमेटली पुलिस का ही शासन चलता है, सरकार का शासन चलता है, इसलिए अनधिकृत बांधकाम के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ में जो मैंने आपको नया विषय भी बताया है कि जिस तरह से झूठी वेबसाइट बनाकर, जिस तरह से झूठे बर्थ सर्टिफिकेट तैयार करके रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुंबई के अंदर घुस रहे हैं, अपने आधार कार्ड बना रहे हैं, पासपोर्ट बना रहे हैं, ये बड़ा रैकेट रुकना चाहिए और इसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं मुंबई पुलिस को इसके बारे में अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको पकड़ा। सर एक विषय होता है कि दशहरा मेड़ावा साठे पर आज चौकी में मंत्री जी आए थे लोड़ा जी, और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर इलीगल इंसिडेंट होता है और खास तौर से कुछ जगहों, चुनिंदा जगहों को निशाना बनाया, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि लोड़ा जी जो है वो उनको एक पालक मंत्री है और पालक मंत्री एमएलएट ही और बीजेपी के है कि कांग्रेस के, मुझे पता नहीं इसके बारे में, मगर वो एक पालक मंत्री है। पालक मंत्री सबका होता है, हर समाज का होता है, तो उनको हमेशा आकर एक ही समाज के बारे में बात करना, एक ही समाज का पक्ष लेना, दूसरे समाज के खिलाफ बोलना, वो उनकी पुरानी आदत है। और रही बात ये इस अब ये मुद्दे के बारे में, ये जो मरीज के बारे में, कि उनका ऐसा है कि कोई ऐसा मुद्दा उठाते हो जिससे मालूम कि दो जो पक्ष है, दो आम के जो लोग हैं उनके दिल में नफरत पैदा होती है और उस नफरत को भरने का काम वक्त करता है। जब वक्त आहिस्ता आहिस्ता जब वापस बातें आगे जाती है तो एक दो पक्ष वापस मिलते हैं, फिर लोधा जी की एंट्री होती है और लोधा जी फिर कहते हैं कि ये मरीज इलीगल है, वो इलीगल है, वो फलाना है, ऐसा है। तो मेरा कहना ऐसा है कि लोधा जो है एक पालन मंत्री है, उनको समझना चाहिए कि उनका काम क्या है। मालनी में, मुंबई में बहुत सारी समस्या है, मुंबई के पालन मंत्री हो और मालनी में इतनी समस्या है कि उस समस्या का उनको हल निकालना चाहिए, ना कि वो मस्जिद बन रही है, मंदिर बन रही है, उस पर उनको कोई जाना नहीं चाहिए। तीसरी बात यह है कि उनका कहना है कि मस्जिद इलीगल बन रही है, तो यह ऐसा है कि मस्जिद इलीगल बनी नहीं रही है, मस्जिद का काम चालू ही नहीं है। और पहली बात यह, मस्जिद लीगल है, उस मस्जिद का बाई खाता मस्जिद खरीदा गया है, परचेज किया गया है, खरीदने के बाद उसको मस्जिद को 192 मीटर मस्जिद को वक्फ बोर्ड में गिफ्ट किया हुआ है। अब गिफ्ट करने के बाद हमने मस्जिद का प्लान जो है BMC में पुटअप किया हुआ है और उनका ये कहना है कि ये मस्जिद इलीगल है। तो मुझे बताओ, जिस मस्जिद का 7/12 है, जिस मस्जिद का प्रॉपर्टी कार्ड है, वो मस्जिद इलीगल हो सकती है क्या, बताओ? सर एक मुद्दा और बता निकला है उन्होंने कि यहाँ पर जितने अभी बोरोली में भी एक केस पाया गया कि बांग्लादेशी पकड़े गए, तो यहाँ के पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने एक दाखिला किया है कि यहाँ पर भी आसपास कितने बांग्लादेशी रहते हैं, उनकी जांच करी जाए। देखिए भैया, ऐसा है, ये हिंदुस्तान है, अब हिंदुस्तान में बाहर के लोग कोई भी आते हैं, ट्रस्ट होना चाहिए। अब एक हम पुलिस का और सरकार का है, हमारा कहने देना नहीं। सर जिन मस्जिदों को लेके ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं उन मस्जिदों का नाम बताइए और क्या ये लीगल है मस्जिद, इसके सारे कागजात आपके पास है या नहीं? आप ये नहीं, ऐसा है, मस्जिद तो पूरी तरह से लीगल है, इसके डॉक्यूमेंट्स मस्जिद के पूरे हैं, 7/12 है, प्रॉपर्टी कार्ड है और सारी चीज़ें हैं। और पालक मंत्री लोधा जो है वो किसकी कौन सी मस्जिद के बारे में बात की मुझे नहीं मालूम,
जहाँ तक मुझे मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि इस मरीज के बारे में इलीगल काम चालू है, तो ऐसा कुछ काम चालू नहीं है, मीडिया को जाके देखिए, सब देखी गई यहाँ पे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि लोधा जी आपको बदनाम करना चाहते हैं ऐसे ही? नहीं, लोधा जी बदनाम करना चाहते हैं मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये साबित कर चुका हूँ मैं। रामनवमी में भी उनका ऐसे मुद्दा था, इसके पहले छेड़ा नगर को लेकर भी उन्होंने यही बोला कि छेड़ा में काफ़ी हिंदू भाइयों को निकाला जा रहा है, भागे जा रहे हैं। हाउस में उन्होंने खड़े स्टेटमेंट दिया था, मगर वो सब बातें झूठी साबित हुई। SB1 ने, पुलिस ने, सब लोगों ने वेरीफाई किया, सारे लोग वहीं पे हैं जहाँ पे थे। लोधा जी का कहना ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। बार बार आप ही के ऊपर आरोप क्यों लगाते हैं लोधा जी, आखिर क्या बात है? लोधा जी को यहाँ पर वोट बैंक को अपने बढ़ाना है जी, और यहाँ पर माननीय मलाड़ में उनका कोई वर्चस्व नहीं है, BJP का कोई वर्चस्व नहीं है। उसको बढ़ाने के लिए वो एक धार्मिक मुद्दे को लेकर वो टारगेट कर रहे हैं, और मस्जिद को लेकर मुझे उन्होंने उनका जो मस्जिद को लेकर तो मुझे टारगेट कर रहा है, टारगेट करने से शायद उनका प्रॉब्लम बढ़ता हो तो मुझे नहीं पता थी बात। इसके पहले आपको फंसाया गया था और दोबारा भी आपको ही टारगेट किया गया था, क्या कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है? नहीं, मैं तो लोधा को शक्ल देखा भी, आज से देखा भी नहीं हूँ कि लोधा है कौन। मैं टीवी में देखा या जो भी इंटरव्यू देखा, लोधा जी का जो है कभी वो व्यक्तिगत मेरा लेना देना भी नहीं है, मेरा मतलब मान शक्ल से किसी को जानते भी नहीं हम लोग। वो क्यों कर रहे हैं, किसके बोलने पे कर रहे हैं, अल्लाह ही जाने। रामनवमी शोभा यात्रा को लेके जो हलचल मची थी, जिस तरीके से यहाँ लफड़े झगड़े हुए थे, उस बारे में अभी तक का आपको क्या सहायता मिली और किस तरीके की बातें सामने आई है? कैसा है रामनवमी को लेकर, जो शोभा यात्रा को लेकर जो विवाद हुआ था, जिसमें मेरा झूठा नाम आया था, उसके खिलाफ मैं हाईकोर्ट में रिपिटिशन फाइल किया, CCTV और एक फुटेज फाइल किया, दोनों मेरे जो पिटिशन कोर्ट में चालू है, और दोनों पिटिशन से अल्हम्दुलिल्लाह यह है कि कोर्ट में पॉजिटिव मेरे बारे में पॉजिटिव मैसेज वहाँ पे चल रहा है, और इंशाल्लाह ने चाहा तो उस केस में भरी हो जाऊँगा मैं, और जो भी इसमें दोषी है मेरे को फंसाने में, इंशाल्लाह उन पर कार्रवाई होगी।